भाई साहब, सारे पैसे इसी का तो है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज एकदम सुबह सुबह ही फ्रेश हो गया हूँ मैं। मम्मी भी सुबह सुबह स्कूल गई थी क्योंकि मम्मी के स्कूल में आज फंक्शन होता है। बाय द वे, आज है रिपब्लिक डे, तो आप सभी लोगों को हमारे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। मम्मी का स्कूल था, वैसे तो मम्मी के स्कूल में फंक्शन वगैरह होता था, लेकिन अभी कोविड के लिए बस नॉर्मली झंडा फहराया गया। छोटे मोटे में ही सिर्फ मैम लोग ही थी ना, सभी मैम लोग आपस में मिलकर। तो मम्मी स्कूल से आज जल्दी आ गई और आते ही ब्रेकफास्ट बना दी है, तो ये काफी सही है। मतलब आज मेरे को टाइम पे ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में वैसा है क्या। हाँ जी, तो देख लो, ये होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। यहाँ पे रोटी है, साथ में ऑमलेट और ये टमाटर की चटनी। थोड़ा अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ मेरे को ये मजा आता है खाकर। मीठा चटनी है ना? हाँ, मीठा चटनी है ये। चलो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से खाते हैं, थोड़ा कुछ वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, एक ही बार खाकर मिलते हैं। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोग निकले हैं। चलो 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 चलो, नहीं तो निकल जाएगा भैया। ये रोड में हम लोग को 500 रुपया गिरा हुआ दिखा। वो पापा इधर देखे, वो साइकिल वाला का है ना? हाँ, तो ये 500 रुपया हम लोग को मिला है। पहले सुनिए सुनिए, आपका कुछ गिरा है क्या? देखिए तो पॉकेट से पैसा ले लीजिए, 500 रुपया गिरा था आपका नीचे। तो चलो भैया, चलते निकलते, इतना अच्छा काम कर गया अंकल। शौक है, कुछ मुझसे बोले ही नहीं। हाँ भाई, कुछ बोला भी नहीं। वो कुछ नहीं बोले अंकल जी, एक्चुअली वो भी शौक थे। ये हुआ क्या, देखो गरीब आदमी का 500 रुपया, वो उसको तो कमाई चला जाएगा ना सारा। आप काम करते हो ना, आपको 500 रुपया का अहमियत पता है, कितना खट के एक 500 रुपया आपको मिलता है। ठीक है, साहब अभी हम लोग आ गए हैं अवनी रिवर साइड मॉल। बाइक रखने का तो कहीं जगह ही नहीं है, हमेशा हम लोग पूरा अंदर की तरफ जाके पूरा ये मॉल की तरफ घूम के उस साइड रखते हैं, लेकिन आज यहीं पे रखना पड़ा। हेलमेट, हाँ हेलमेट हेलमेट, मॉल में कभी हेलमेट लेके जा सकता है? रखो हेलमेट, रखो जुगाड़ में हम लोग रखते हैं हेलमेट। पता है, लेकिन पता है हम लोग को बहुत लोग कमेंट कर रहा था कि आप लोग हेलमेट चेंज कर लो। हेलमेट मतलब एक्सर का लेंगे, एक्सर का। ठीक है भाई, हम लोग जल्दी ही चेंज करेंगे, अभी वैसे ही इतना खर्च हो रहा है। अरे एक्सर का लेने जाएंगे, 5,000 रुपया ले लेगा यार। एक बार लेंगे तो लाइफ टाइम हो जाएगा वो, तब ऐसा लटका के नहीं जा पाएंगे। नहीं तब हाथ में लेके जाएंगे, 5,000 फूक जाएगा, कोई उठा के लेके जाएगा तो। अब सबसे मेन काम हेयर को ठीक करना है, लेकिन अपने पास कैप है। मैं हमेशा अपने साथ ये कैप कैरी करता हूँ अभी, जब तक हेयर मेरा बड़ा है। तो भैया चलो मॉल के अंदर एंटर होते हैं। अब कैप खोल दिया हूँ मैं, मॉल में इतना गर्मी लग रहा है ना, लग रहा है इतने लोग हैं शायद इसलिए पूरा एकदम मॉल पैक है, जबकि 10 बजे से कर्फ्यू भी है। कर्फ्यू वाला हट गया कि है? कंफ्यूजिंग में क्या? तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, कर्फ्यू है कि नहीं है हम लोग भी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं अभी। कोई भी नहीं, अभी ऑनलाइन पता कर लेंगे है या नहीं है। फिलहाल हम लोग आ गए अभी टाको बेल। बहुत दिनों बाद मेरे को टाको बेल आने का मौका मिला। लास्ट कब आया था मैं याद नहीं है सर, घर पे ऑर्डर किया था, मम्मी को ट्राई करवाया था। और बाय द वे फर्स्ट टाइम है पापा इधर टाको बेल। लेकिन देखो मैक्सिकन फूड खाया, लेकिन टाको बेल का नहीं, वो चिलीज में खाया। अच्छा, तो अच्छा और एक बात है, चिलीज में अच्छा मैक्सिकन फूड भी मिलता है। मैंने वहाँ का एक बर्गर का रिव्यू किया था, एक्सपेंसिव है चीपेस्ट बर्गर का। बहुत जल्द चिलीज के अंदर जाके डाइनिंग करके भी दिखाएंगे। बाय द वे टाको बेल में अच्छा क्या हुआ कि जो काउंटर में थे वो हमारे सब्सक्राइबर निकले, उन्होंने एक मस्त चीज हमें रिकमेंड किया, देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो ऑर्डर कर दिया हम लोग, सामने में कैसा होता है कैसा नहीं वो देखकर पता चलेगा, और उसका टेस्ट कैसा है वो भी देखते हैं। अगर अच्छा हुआ तो आप लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। पहले आ जाने दो टेबल पे, उसके बाद आपको बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन इस टाको बेल का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, अभी तक जितने भी टाको बेल में मैं गया हूं ना, यहां का एम्बियंस एक नंबर है। कोलकाता में आप जितने भी टाको बेल देखे होंगे, अलग ही एम्बियंस है, आपको दिख जाएगा। देख लो ये जो लिखा हुआ है ना बंगाली में, हमारे टाको एम्बियंस बहुत अच्छा है। एक काम करो, एक अंदर का शॉर्ट सब ले रहा हूं मैं, उसको एंजॉय करो। बाय द वे यहां पे ड्यू भी आ चुका है, अभी कोई भी ठंड वाला चीज खाने में डर लग रहा है, गला का खराश ना ट्रिगर हो जाए वापस। Ahora te digo algo, ¿okay? Ya, escucha. Gente, yo soy fan de todo menos de gente con maldad. Ahora ser diferente es un delito en este lugar. Todos somos leyenda, pero por algo hay que empezar. Soy leyenda de Pekín, también en Hong Kong, en cualquier lugar. ¿Quién eres vos? ¿Quién eres vos? ¿Quién eres tú para decir lo que es? Juego como Messi, Luigi, este partido ya nadie nos quita. Vamos a la disco.
y matamos la pista, yeah. Aquí toda mi gente sí. हाँ जी, वैसे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या क्या किया है। तो मैंने ऑर्डर किया है एक अल्टीमेट चीज़ टाको नॉनवेज मील। एक्चुअली ये अल्टीमेट चीज़ टाको मैंने ऑर्डर किया है, उसमें मील इंक्लूड करवा लिया। मील में आपको अनलिमिटेड कोक मिल जाता है, आप उसको बार बार रिफिल करवा सकते हो, बट मैंने ड्यू ले लिया है यहाँ पे। ये एक मील हो गया 349 का। साथ ही मेरे को ये बहुत पसंद है, सिनेमन ट्विस्ट यहाँ का। जितने भी लोग टाको बेल में खाए होंगे तो आपको पता होगा ये कितना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको अलग से ऐड करवाया। पहले शायद मील में आता था ना? नहीं नहीं नहीं, वो बिग बेल बॉक्स में आता है ये। अच्छा, अभी याद आ रहा है मुझे, एक बिग बेल बॉक्स होता है जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें ये मिलता है। ऐसे आपको अलग से लेना पड़ेगा ये। और साथ में ये मैंने नेकेड चिकन टाको भी लिया है, ये तो मेरे को बहुत पसंद है। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, तो जल्दी से इसको मैं दिखाता हूँ ट्राई करके कैसा है कैसा नहीं है। बहुत दिनों बाद मैक्सिकन फूड खाने का मौका मिल रहा है, बहुत दिन हो गया ना ट्राई किए हुए मैक्सिकन फूड। चलो ट्राई करते हैं। ये तो बता रहे थे भैया इसको तोड़ने से चीज को तोड़ो बाबा, इसको चीज वो बोला है तोड़ेगा ना तो बीच से चीज आएगा। सारे पैसे इसी का तो है, देखते कितना लंबा जाता है, हाथ में हाथ जाता है कि नहीं। क्या है ये, तो डोमिनोज को भी फेल कर देगा। ये कौन सा चीज है? देख लो भैया, कुछ इस टाइप का ये टाको है, और जो ऊपर इसका टाको है ना, इसको फ्राई किया गया है। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है ये। देख लो भैया, इसको तमीज से नहीं खाया जा सकता, इसके लिए आपको थोड़ा गंद मचाना पड़ेगा। अंदर तो पूरा चीजी चीजी हो गया है पूरा, लेकिन अंदर ये सब जो वेजीज है ना, इसका काफी हल्का सा एक क्रंच आ रहा है ना, मजा आ रहा है। साथ में चिकन भी देख लो, कुछ ऐसा ऐसा चिकन है। मुझे इनका ये ऊपर का टाको बहुत अच्छा लगा, ये टाको एक नंबर है, मजा आ रहा है खाकर। वैसे मुझे टाको बेल का ना बस कुछ ही आइटम पसंद है, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगा और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगेगा। वैसे तो ये मेक्सिकन फूड है, लेकिन मैं इसको ऐसे खा रहा हूँ ना, पराठा और सीख कबाब जो होता है ना, बिल्कुल वैसे एकदम लेकर खा रहा हूँ, मजा आ रहा है, लेकिन ये अच्छा चीज है। यहाँ पे कुछ नाचोस भी है, ये क्या चटनी इसी के लिए है क्या? सच बताऊं तो मुझे नाचोस इतना पसंद नहीं है, चटनी अच्छा लग रहा है भैया। आर्यन रहता ना इसको पूरा खत्म कर देता, ये पूरा आर्यन का टेस्ट का चटनी है। तीखा है, हल्का तीखा है, खट्टा है, थोड़ा अलग सा ही चटनी है ये। और मेरे को लगता है ना, ये टाको को आप इसमें भी डिप करके खा सकते हो, इसके साथ भी खा सकते हो, सही है। और ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सिनेमन ट्विस्ट, वो अच्छा लगता है ना। और एक तो तुम्हारा वो गुजराती वाला डायलॉग एक तो बोलो ना, खवानी वो जो जैसे बोला था। अच्छा हाँ, अल्टीमेट टाको खवानी, माउंटेन ड्यू पिवानी, मज्जा नहीं लाई, बेस्ट है ये, बहुत अच्छा चीज रिकमेंड किया। ये तो ऐसा चीज है ना, हम लोग अगर ये नहीं लिया ना, इसको एक और लेते। और अब ट्राई करते हैं इनका ये नेकेड चिकन टाको। ये तो यार बहुत बारी ट्राई किया हूँ मैं, ये जो आप टाको देख रहे हो ना, बेसिकली ये होल चिकन है, ये जो टाको को बनाया गया है चिकन से ही बनाया गया है। और मैंने एक चीज देखा है, जो मैक्सिकन फूड सब होता है ना, स्पेशली टाको बेल का, वो जो सालसा का यूज होता है ना हर चीज में ही, मतलब मेरे को लगता है ये मैक्सिकन खाने का जान सालसा। ओवरऑल तो ये ठीक ही है, इसको तो मैंने काफी बार ट्राई किया है। इसमें एक सॉस होता है जिसको क्या माइल्ड सॉस या कुसो सॉस बोलते हैं, थोड़ा स्पाइसी सॉस होता है। ये जो येलो येलो आप देख रहे हो ना, मैं इसी सॉस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा स्पाइसी होता है, अच्छा लगेगा आपको। ऑलराइट, तो आपको स्टफिंग के लिए तो आपको दिख रहा होगा जैसा सालसा तो दिख रहा है, और सॉस में मैंने जो अभी बोला ना स्टार्टिंग में माइल्ड सॉस, वो माइल्ड नहीं है, मैंने अभी कंफर्म करा, ये हैबेनेरो सॉस है, हल्का सा स्पाइसी लगता है। अच्छा, ये चटनी किस चीज का है? बहुत अच्छा। अच्छा, सालसा डिप है ये। तो ये नाचोस के साथ तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आर्यन रहता ना इसको ऐसे ही पूरा घटक जाता है। अब मोमो बहुत पसंद है आर्यन को। और ये जो है नेकेड चिकन टाको है, ये होल चिकन का ये टाको होता है, और बाकी अंदर भी सब कुछ सेम ही है, सालसा है, इसके अंदर स्पाइसी रेंज सॉस है, इसके अंदर हैबेनेरो नहीं है, इसके अंदर स्पाइसी रेंज है, तभी इसमें थोड़ा सा स्पाइसी ने सारा होगा। एक बार ये सिनेमन ट्विस्ट ट्राई करो, ये मतलब बहुत सही चीज है। किस चीज से बनता है? मूवी लेकर बैठ जाओ और खाते रहो इसको, ये बहुत अच्छा टाइम पास है। कमेंट करके बताना आपने कभी इसको ट्राई किया है कि नहीं टाको बेल का। तो घर में बना सकते हैं, ये तो घर में ही बनने वाला चीज है। पापा ही तो बता रहे हैं, ये जो है ये पूरी है, पूरी ट्राई करो ना, देखो कैसा है। पूरी में लपेट के सॉस, लेकिन अभी तो चीज ठंडा हो गया होगा। पूरी में हम लोग ऐसे ही खाते हैं, पूरी सब्जी ना। बाहर का जो लेयर टाको होता है ना, टाको ये मैदा से ही बना है। अच्छा। और उसको फ्राई किया गया है, पूरी तो हुआ। ये पवैदा कैसा लगा? ये बहुत अच्छा, तो ये बहुत ही सही है। ये मम्मी को भी पसंद आया था, आपको याद होगा टाको बेल का कुछ पसंद आया था या नहीं आया था मम्मी को? मम्मी को ये सिनेमन ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा था। चलो इन सबको जल्दी से कम्प्लीट करते हैं, फिर निकलना भी, ऑलरेडी टाइम कितना हो गया देख लो भैया, 9:30 बज चुका है। जल्दी से इन सबको कम्प्लीट करते हैं, फिर निकलते हैं। गाना है, पूरा डीजे लगा दिया है।
पूरा डीजे लगा दिया है तो। हाँ जी, तो हम लोग अंदर से तो निकल गए हैं, बहुत दिन बाद टाको बेल ट्राई किया लेकिन अच्छा लगा पपैदा, बहुत अच्छा लगा यार। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अभी भवानीपुर जा रहे हैं ना, भवानीपुर जा रहे हैं, पपैदा का जो कल का माल है वो आज लेकर आ जा रहे हैं और सुबह सुबह सारा डिलीवर कर देंगे। तो अभी एक काम करते हैं, ये कैप को अंदर रखते हैं, ये डाल लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग भवानीपुर पहुंच गए, पपैदा का सारा माल रेडी है, बस रिसीव करेंगे, भगेंगे यहाँ से जल्दी से। और वैसा कुछ आज मोटा पहन कर भी नहीं आया, आज जो ठंड लग रहा है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। वैसे चौरसिया दुकान भी बंद हो गया है, नहीं तो कॉफी पीकर जाते, बस वो इडली वाला खुला है लेकिन वो भी बंद ही हो रहा है। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं घर आ गया हूँ और जो आज भाई साहब ठंड लगा ना मुझे, मम्मी सही बोल रही थी मोटा वाला जैकेट पहनना चाहिए था, मेरे को लगा कि मतलब उतना ठंड नहीं लग रहा था, मुझे लगा बाहर भी नहीं होगा ठंड। खैर कोई नहीं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।